श्री राधा रानी अंतर्वेदी वार्षिक ब्रज यात्रा 2012, इसका आज पांचवा पड़ाव बुधवार नंदगांव में 31 तारीख को, 31 अक्टूबर 2012 को पड़ा हुआ है। आज आप लोगों की यात्रा नंदगांव की परिक्रमा की थी, जो आप लोग देखे आए। यहां से चले सारी यात्रा का तो विवरण विस्तार से हो नहीं सकता है। ललिता कुंड की कथा ललिता जी ने श्री कृष्ण का मिलन कराया था, सखी वेश बना करके ब्रिजभान भवन बरसाने मिले जा करके। इसीलिए उस कुंड का नाम ललिता कुंड है, जबकि यहां सखाओं का नाम होना चाहिए, लेकिन ललिता जी का ही नाम क्यों है? उसका कारण है उस लीला की प्रधान ललिता जी हैं। सखाओं का गांव है, सखाओं के गांव में तो सखाओं का नाम होना चाहिए, किंतु ललिता जी के नाम है। उसका मुख्य कारण यही है। 42 लीला के ग्रंथ है, जिसमें ये लीला लिखी हुई है। प्रेम सरोवर में श्री राधा रानी खेलने आती थी और उनके रूप की चर्चा श्री कृष्ण के कानों में गई कि राधा एक अपूर्व सुंदरी है और जिनके समान रूप सौंदर्य कहीं तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तो श्री कृष्ण उनके दर्शन की लोभ से वहां चले गए कि वहां खेलने आती हैं ब्रिजभान की लाडली, छिप के देखने के लिए, आंख मिचौनी खेल रही थी राधा रानी। और श्याम सुंदर ने देखा आंख मिचौनी में किसी की आंख कोई बंद कर लेता है और सब लोग छिप जाती हैं, फिर छिपने के बाद ताली बजाती हैं तो आंख खोल दी जाती है या वो ढूंढता है, जिसको पकड़ लेता है वो चोर बन जाता है, फिर उसकी आंख बंद हो जाती है, फिर और सब लोग छिप जाते हैं। तो श्याम सुंदर ये देख रहे थे छिप करके और उन्होंने ये देखा कि कोई सघन कुंज है, उधर ही जाकर के राधा रानी छिपती हैं और इतनी सघन है कुंज कि वो पकड़ में नहीं आती हैं,
और चोर नहीं बनती हैं। तो जब छिपने का मौका आया तो श्री कृष्ण पहले से उस कुंज में पहुंच गए, छिप के बैठ गए। सघन कुंज था, इधर जब सब छिपने के लिए गई तो सब ने ताली बजाई और सब छिप गईं। राधा रानी भी गईं उसी कुंज में जहां श्याम सुंदर चोरी से बैठे हुए थे राधिका के दर्शन के लिए। जब वो भीतर गई कुंज में तो देखा एक कोई नील वर्ण का युवक पहले से बैठा हुआ है और उसको देख करके पहला पहला परिचय था। राधा रानी संकोच में लौटने लग गईं, ये कौन बैठा हुआ है, लेकिन लौट नहीं पाई क्योंकि बीच रास्ते में बैठा हुआ था। तो सोचने लग गईं, चलो जब ताली बजेगी, जब यहां से भागेंगे हम, तब चली जाएंगी। जब तक किसी को किसी ने ढूंढ लिया, फिर ताली बजी और फिर से सब लोग छिपने के लिए भागे। तो राधा रानी वहीं छोड़ करके उस कुंज में श्री कृष्ण को चली गईं। लेकिन राधिका के दर्शन से श्री कृष्ण को प्रेम उदय हुआ और वो मूर्छित जैसे हो गए। वेणुकरान् निपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनो यस्या कटाक्षसर्पात् विमूर्छितस्य ताम राधिकां परिचरामि कदारसेन। उनकी वंशी गिर गई, पीतांबर शिथिल हो गया और मूर्छित अवस्था को प्राप्त भय। राधा रानी के नेत्रों को देख करके और उसी अवस्था में श्री जी चली गई छोड़ करके। वहां जब पहुंची तो सब ने कहा बहुत देर हो गई खेलते खेलते, मैया कहेगी कि इतनी देर क्यों लगाती हो तुम लोग, तो चलो बरसाने चलते हैं। खेल खत्म हो गया आंख बिचौनी का और सब लड़कियां बरसाने चली गईं। लेकिन राधा रानी उदास थीं, उनको चिंता थी कि मैं उसको छोड़ के आई मूर्छित अवस्था में, क्या हुआ होगा उसका, उस किशोर का। बड़ी उदास रहीं, लोग समझ नहीं पाए
सखियों ने पूछा, राधा तू उदास क्यों है? कुछ नहीं बोली। ललिता जी समझ गई कोई कारण है इसमें। उन्होंने एकांत में राधा रानी से पूछा, मैं तो तेरी प्यारी विश्वसनीय सखी हूं, कुछ बात तो है ही है, बता उदास क्यों है? तब राधा रानी बोली कि जब आंख में चौनी खेल हो रहा था तब मैं जिस कुंज में गई थी छिपने, वहां पहले से एक किशोर बैठा हुआ था, बड़ा सुंदर था, नील वर्ण का था, मुझे देख करके उसकी बंशी गिर गई और मूर्छित हो गया। तब तक ताली बजी और हम लोग चले आए यहां, खेल खत्म हो गया। लेकिन मैं उसको छोड़े आई मूर्छित अवस्था में, जब से सोच रही हूं कि उसको किसने संभाला होगा, क्या हुआ होगा उसका। तो ललिता जी ने कहा, वो कैसा था? बोले पहली बार देखा था, नया नया था, वो पहचानती नहीं मैं कौन हूं कहाँ का है। देखो इसमें एक समझने की बात है, राधा और कृष्ण के रूप नित्य नवीन हैं। ऐसा नवीन रूप है कि महात्माओं ने लिखा है, न आदि न अंत विहार करें, दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, नई नई भांति नई नई कांति, नई नवला नवनेह विहारी। ऐसा रूप है कि दोनों आज तक पहचान नहीं पाए, क्षण क्षण नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीताया, नित्य नवीन रूप होता है हर क्षण में। संसार में ऐसा नहीं है, लेकिन वहां ऐसा है, दिव्य रूप है। तो राधा रानी बोली, मैं पहचानती नहीं हूं। तो ललिता जी बोली, राधा कैसा रूप था उसका बता? बोले नीला था, नील वर्ण, बड़ा सुंदर, वंशी थी हाथ में, गिर गई, पीतांबर भी खुल गया था वो जब गिरा। बोले बस बस समझ गई। बोले तुझे चिंता क्यों है कि मैं मूर्छित अवस्था में छोड़े आई, उसका क्या हुआ होगा, वो होश में आया कि नहीं आया? ललिता जी बोली, मैं समझ गई वो कौन है, तू क्या चाहती है? चाहती क्या हूं, बड़ा सुंदर था, मन को उसने हमारा हरण कर लिया है, एक बार उसको देखना चाहती हूं। ललिता जी बोली, मैं ऐसा करूंगी, वो जानती थी कि नंदलाल हैं, सीधे नंदगांव में आई और नंद भवन में चली गई, यशोदा जी के पास, और उन्होंने कहा कि तुम अपने लाला को हमारे साथ भेज दो,
कुछ मंगल होगा इसका, देखना चाहते हैं लोग। यशोदा मैया अपने लाला के विवाह को बहुत चिंता करती थी कि हमारा लाला काला है, जाने इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा। काला भी है और बदनाम भी है, चोर भी है, घर घर माखन चुराता है, क्या करें। सारे ब्रज में तो वो बोली, कृष्ण तू ललिता के साथ चला जा, ये जहां ले जाए। कृष्ण को लेकर के ललिता इसी ललिता कुंड पर आई। यहां उन्होंने श्री कृष्ण को लहंगा फरिया चुंदरी पहना करके एक नारी गुरु बना दिया और सिखा दिया घूंघट मारना। देखो ऐसे घूंघट मारो, और घूंघट खोलना नहीं तुम, हम तुमको वृषभान भवन ले जाएंगे, वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। कहीं तुम घूंघट खोल दोगे तो नंद बाबा की बदनामी होगी, हंसी होगी और निकाल देंगे लोग। तो श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं हम घूंघट नहीं खोलेंगे। उनको ले गई वृषभान पौरी पे, जैसे घुसी नौ नंद जैसे यहां आए वहां नौ भान भी हैं, वो उनमें उनकी जो ताई चाची काकी लगती थी राधा रानी की, बोली ललिता ये कौन है तेरे साथ घूंघट वाली। ललिता जी ने कहा ये उपनंद की छोरी है। उपनंद जी नंद के बड़े भाई थे। अरे ये कहाँ मिल गई। बोले हमें खोर साकरी में जा रही थी तो मिली, और इसने कहा हम वृषभान भवन देखना चाहती हैं तो मैं अपने साथ लाई हूं। अरे इसकी अच्छी तरह खातिर करना, नंद महर तो बड़े नामी हैं और उपनंद भी नामी हैं, उनकी लड़की है, बड़े घरों की है। बोले हाँ अच्छी तरह खातिर करूंगी। ले जा करके भीतर महल में ले गई और श्री जी से मिलाया। बोले देख लो पहचान लो यही है ना। श्री जी मुस्कुरा गई। इस तरह से ललिता जी का नाम यहाँ ललिता कुंड पड़ा है। यहाँ ललिता जी ने श्री कृष्ण का सखी रूप बनाया था छद्म से और ले गई थी। आप लोग पहले ललिता कुंड गए होंगे, फिर वहां से सूर्य कुंड होते हुए उद्धव क्यार गए होंगे, उद्धव क्यार से फिर नंद बैठक गए होंगे, नंद बैठक के बाद यशोदा कुंड गए होंगे। यशोदा कुंड की भी लीला है, बहुत लंबा प्रसंग है, आज सुनाना है इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। यशोदा कुंड की लीला, नंद बैठक की लीला छोड़ रहे हैं। वहां से हाउ बिलाऊ गए होंगे वो जो चोरी चले गए हैं। वो मैया डरवाती थी, वहां से काजरेलो होते हुए चरण पहाड़ी गए होंगे। श्री कृष्ण के चरण हैं, भागवत में वर्णन आता है। वहां से पनिहारी कुंड गए होंगे, वहां भी पानी भरा था, ब्रज गोपियों ने
जब श्री कृष्ण का संबंध हुआ था, फिर वहां से चल करके वृंदा देवी गए होंगे, ऐसे ही है भाई। वृंदा देवी की कथा बहुत लंबी है और हम करीब 60 साल हो गए यहां ब्रज में, आज तक हम ही नहीं समझ पाए कि वृंदा जी की कथा क्या है, और न यहां के लोग जानते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए ये बड़ा जटिल प्रश्न है। इसके कारण हम और सब छोड़ के आ रहे हैं। वृंदा कई हुई हैं, अब कौन सी वृंदा है इसका निर्णय अभी तक कोई कर नहीं पाया। जितनी पुस्तकें 84 कोस की छपी हैं उसमें कोई ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ आज तक। एक वृंदा तो राधा रानी के 16 नामों में उनका नाम स्वयं है वृंदा, तो क्या राधा रानी के नाम पर वहां देवी स्थापित है? एक वृंदावन की अधिशास्त्री देवी वृंदा जी हैं, उनका भी नाम आता है वृंदा। एक वृंदा जालंधर दैत्य की स्त्री थी, सती थी, उनका भी नाम वृंदा है। एक वृंदा कुशध्वज की कन्या थी, वेदवती जिनकी कथा हम सुनाएंगे, वो भी वृंदा है। एक उन्हीं की चचेरी बहन थी तुलसी, जिनका पत्र चढ़ता है पूजा में, वो भी वृंदा है। इस तरह से कई वृंदाएं हैं। एक केदार कन्या वृंदा है ध्रुव जी के वंश में, उन्होंने भी बड़ा तप किया था 108 युग तक। तो इस तरह से 5-6 नाम आते हैं और इस 5-6 में कौन सी वृंदा है इसका आज तक किसी ने निर्णय नहीं किया। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम क्या निर्णय कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने जो हमारे मन में भाव आया है, जो वृंदा कृष्ण लीला से संबंधित है, जालंधर दैत्य की वृंदा का कृष्ण लीला से संबंध नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। केदार कन्या ने भी तप किया, यहां उनके तप के कारण भी नाम पड़ सकता है वृंदा देवी, लेकिन उनका कृष्ण लीला में प्रवेश उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए हम निर्णय नहीं दे सकते, उन्हीं के हैं। अधिष्ठात्री वृंदावन की देवी वृंदा हैं, उनका नाम हो सकता है, उनके नाम पर स्थापना भई हो। उसके अलावा 2 वृंदाएं और हैं, उनकी कथा थोड़े में सुना रहे हैं क्योंकि ये बहुत विस्तृत प्रकरण है। क्या करते हो?
दिया करो हाथ में, खिलाने से क्या मतलब। देखो एक राजा हुए हैं वृषध्वज, सतयुग की बात है, बहुत लंबा प्रसंग है, हम कोशिश कर रहे हैं थोड़े में कहने का। वे वृषध्वज शंकर के भक्त थे, बड़े प्यारे भक्त थे शंकर के, लेकिन विष्णु द्रोही थे, लक्ष्मी जी से चिढ़ते थे। लक्ष्मी जी ने उनके यज्ञ को उन्होंने बंद करवा दिया था, तो सूर्य देवता ने शाप दे दिया कि तुम विष्णु द्रोह करते हो, लक्ष्मी से द्रोह करते हो, जाओ श्रीहीन बन जाओ। जब मनुष्य श्रीहीन हो जाता है तो श्री माने सुंदरता, श्री माने संपत्ति, श्री माने प्रभाव, श्री माने मधुरता। जब मनुष्य श्रीहीन हो जाता है तो ये सब चीजें चली जाती हैं, प्रभाव घट जाता है, मधुरता चली जाती है, लोग उससे प्रेम नहीं करते। समझ लो श्री क्या है। जब बहुत से लोग तुमको प्रेम करने लग जाएंगे तो समझो श्री बढ़ रही है तुम्हारी। तो जब शाप दिया उन्होंने सूर्य देवता ने, तो शंकर जी को क्रोध हुआ कि हमारे भक्त को शाप दे दिया सूर्य ने, और त्रिशूल लेकर के चले मारने सूर्य को। सूर्य भागे, अपने पिता कश्यप के पास गए। कश्यप की अदिति नाम की स्त्री से सब देवता पैदा हुए हैं, और कश्यप जी ने देखा शिव के त्रिशूल का मैं सामना कैसे कर सकता हूं, वो तो प्रलयंकर हैं शंकर, उनका त्रिशूल अमोघ है। उन्होंने सूर्य को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जगत के पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले शंकर क्रुद्ध हैं, उनके त्रिशूल से हमें भी भय है, चलो नारायण के पास चलते हैं। कश्यप जी सूर्य को लेकर के, ब्रह्मा को साथ लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे सारी बातें बताई कि लक्ष्मी से द्रोह करते थे वृषध्वज, श्री से द्रोह करना ठीक नहीं है, महाशक्ति हैं, आद्या शक्ति हैं। तो सूर्य ने शाप दिया, इसलिए शिव क्रोधित होकर आ रहे हैं। नारायण बोले डरो नहीं तुम, और क्योंकि मेरे पास जो आ जाता है, मेरा नियम है कि शरणागत को मैं अभय देता हूं। उतनी देर में शिव जी भी पहुंच गए क्रोध में त्रिशूल लेकर के, और जब पहुंचे भगवान नारायण के पास तो उनको देख करके शिव जी शांत हो गए, क्योंकि वो
अंशी हैं और नारायण ने पूछा कि हे शंभो आप क्रोध क्यों करते हो। बोले हमारे भक्त वृषध्वज को सूर्य ने शाप देकर के श्रीहीन बना दिया तो मैं क्या करूं, भक्तों पर भक्तों को मैं पालन करता हूं, मेरा नाम आशुतोष है। नारायण बोले कि आधी घड़ी आप यहां, आधी घड़ी आपको यहां हो गए बैकुंठ में, इतनी देर में 21 युग नीचे बीत गए, वृषध्वज नहीं रहे, वो तो अब काल के मुंह में चले गए, उनका आयु खत्म हो गई, उनके लड़के हैं धर्मध्वज कुशध्वज, श्री की उपासना करो, श्री की उपासना से ही श्री आएगी और शाप टलेगा सूर्य का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भागवत में लिखा है कि श्री की उपासना भी ब्रह्मा आदि करते हैं, ब्रह्मादयो बहुतिप्तम यदपांग मोक्ष कामास्तपा समचरन भगवत प्रपन्ना, ब्रह्मा शंकर आदि भी श्री की उपासना करते हैं। सा श्री स्ववास मरबिंद वनम विहाय यदपाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता, पहले स्कंद में ही ये श्लोक आता है, लगभग 18वें अध्याय के आसपास या 17वें 16वें अध्याय में। तो जाओ श्री की उपासना करो। धर्मध्वज आए, कुशध्वज दोनों, और इन्होंने श्री की उपासना शुरू किया, क्योंकि जब तुम श्री की उपासना करोगे तब श्री जी का अंश कन्या के रूप में प्रकट होगा। हम भी यात्रा उठाते हैं तो पहले कन्या पूजन करते हैं, श्री की उपासना करते हैं, इसलिए श्री की कृपा से हमारी यात्रा बढ़ती जा रही है और कभी घाटा नहीं हुआ कि हमको चंदा मांगना पड़े, कुछ करना पड़े। आप लोग देखते हैं कि सबके सामने हम कन्या पूजन करते हैं, इसलिए भी करते हैं कि सब लोग सीखें श्री की उपासना। स्वयं श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया है, वो तो बड़ा लंबा प्रकरण है। कृष्ण ने यहां तक कहा जब श्री जी रहती हैं हमारे साथ तो मुझे लोग श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं तो मैं तो काला हूं, मेरी श्री ही शोभा है। तो इसलिए इन दोनों ने श्री की उपासना किया और उनके घर कुशध्वज के घर में एक कन्या भई लक्ष्मी का अंश, श्री का अंश, उसके पैदा होते मान अपने आप सूतिका ग्रह जहां बच्चा पैदा होता है सोबर में वेद मंत्र अपने आप निकलने लग गया, तो उसका नाम हुआ वेदवती। जैसे महाप्रभु के जन्म पर ग्रहण लगा था, सब लोग भगवान नाम ले रहे थे, ग्रहण में विशेष करके लोग सत्कार्य करते हैं, सारा संसार शुभ कर्म में लीन था जब चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ था।
वेदवती नाम हुआ उस कन्या का, और वो पैदा होते मान तप करने चली गई। साधारण लड़कियां तो इधर उधर खेलती हैं, लेकिन दिव्य जो होती हैं वो प्रारंभ से उनका भजन में मन रहता है। एक मन्वंतर उन्होंने तप किया 30 करोड़ वर्ष तक वेदवती ने, कि हमको नारायण हमको मिले वर के रूप में। बड़ा कठिन तप किया, हम तो थोड़े में सुना रहे हैं क्योंकि हमको किसी तरह से पूरा करना है। आकाशवाणी भाई कि एक कन्ये तुझे इस जन्म में नारायण नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे। वेदवती ने जो तप किया था उससे उसका तेज बहुत बढ़ गया था, रूप बढ़ गया, तेज बढ़ गया, सौंदर्य बढ़ गया। रावण ने भी 71 चौकड़ी राज किया था, यानी 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीते थे। रावण ने भी कम राज नहीं किया था। रावण जब पहुंचा था पुष्कर में, तप कर रही थी, तो उसकी सुंदरता को देख करके, तेज को देख करके चकित रह गया। ऐसा रूप तो हमने कहीं देखा ही नहीं। उसने उससे बात करना चाहा। वेदवती ने बहुत सुंदर भाषण दिया, रावण तू सन्मार्ग पर चल, किसी भी कन्या को दूषित नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश दिया। वो पढ़ने लायक है, लेकिन रावण नहीं माना, हाथ पकड़ के खींचने लग गया। उसने हंकार किया उस कन्या ने, रावण का शरीर जड़ हो गया। जड़ माने न हिले न डुले, और रावण ऐसे जैसे मूर्ति न हिल पावे, न हाथ हिले, न पांव हिले, न पलक गिरे, तो समझ गया कि हमने अपराध किया है। श्री का अपराध नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से कन्याओं का उपासना करता है तो वो श्री प्रसन्न होती हैं, और उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन संसार में ऐसे लोग कम हैं, वो श्री का कन्याओं का, कन्याओं में भोग दृष्टि रखते हैं। रावण ने मानसिक स्तुति किया, हाथ पांव तो हिल नहीं रहे, जीभ भी बंद है, जड़ हो गया है वो। मानसिक स्तुति किया, श्री बड़ी दयालु है, रावण की स्तुति पर प्रसन्न हो गई, मानसिक स्तुति पे। और उसने कहा, रावण ने स्तुति में कहा, हे देवी तुम हमारे अपराध को क्षमा करो, मैं तुम्हारा स्तुति कर रहा हूं, शक्ति की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसने कहा, तूने किया तो अपराध है, लेकिन जा, तुझको अगले जन्म में मैं फल दूंगी।
और इस जन्म में तू मेरे अपराध से नष्ट हो जाएगा, बच नहीं सकता। वही कह करके उसने शरीर छोड़ दिया वेदवती ने। अब वो वेदवती ही सीता बनी थी। वो कथा सब लोग जानते हैं। सीता का जब हरण किया रावण ने, ये पहले भी उसने वेदवती का हाथ पकड़ा था, तो हरण करने के पहले अग्नि देवता पहुंचे थे राम के पास, बोले हे राम, एक ब्राह्मण का रूप बना करके पहुंचे, इन सीता का हरण होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही विधान विधि ने किया है, मनुष्य को जो विधान है उसमें बदल नहीं हो सकता है, तुम ये मूल सीता को हमारे पास छोड़ दो, ये मेरी मां है, और एक छाया सीता हमसे ले लो। दूसरी छाया सीता रख दिया और छाया सीता का हरण हुआ था, मूल सीता का नहीं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है, जब महाप्रभु जी गए थे दक्षिण में, तब एक राम भक्त था, वो दुखी रहता था, तो महाप्रभु जी ने कूर्म पुराण का उदाहरण दिया था कि मूल सीता का हरण नहीं हुआ था। चैतन्य चरितामृत में देख लेना। जब रावण का वध हुआ तब अग्नि देवता मूल सीता को लौटा के चले गए अग्नि परीक्षा में। छाया सीता बोली, अब मैं क्या करूं? तो राम ने कहा, तप करो, तुम स्वर्ग की लक्ष्मी बनोगी। उसने जाकर के पुष्कर में तप किया छाया सीता ने, और सतयुग में वेदवती थी, त्रेता में छाया सीता बनी, उसके बाद स्वर्ग की लक्ष्मी बनी, उसके बाद वही द्रौपदी बनी थी, इसलिए द्रौपदी का नाम त्रिहायणी। तीन युगों में द्रौपदी की लीला चली है। स्वर्ग की जब लक्ष्मी बनी तो उसने तप किया, महादेव प्रकट भए, और महादेव से उसने पांच बार कहा, मुझे पति दो, पति दो। शंकर ने कहा, तेरे पांच पति होंगे। बड़ी दुखी भई, बोले दुखी मत हो, तू सती बनी रहेगी। तो द्रौपदी के पांच पति भय, पांडव, ये भगवान के अंश से थे, इसलिए। और फिर उसके बाद छाया सीता लक्ष्मी में लीन हो गई। तो ये वेदवती, उसके जो चचेरी बहन धर्मध्वज की लड़की तुलसी थी, दूसरी कन्या तुलसी पैदा भई। तुलसी ये गोलोक में रहती थी, राधा रानी के शाप से मानवी बनने आई, और जब ये मानवी बन के आई, इसका रूप इसकी तुलना नहीं था, तुला सी, कोई तुलना नहीं थी, इतनी सुंदर थी। इसने भी तप किया, ये तप हो सकता है
तुलसी जी का संबंध है कृष्ण से, कृष्ण लीला से, गोलोक से, उनका भी ये तपस्थल हो सकता है। ये भी तप कर रही थी तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा तुम तप क्यों कर रही हो? बोले श्री हरि कृष्ण हमारे पति बने, वे बोले अभी नहीं बनेंगे, अभी तो तुम्हारा शंखचूड दैत्य से विवाह होगा। बोले क्यों, मैं तो कृष्ण के लिए तप कर रही हूं। बोले शंखचूड दैत्य नहीं है, सुदामा गोप था, राधा रानी के शाप से ये यहां पर आया है पृथ्वी पर, और इसके समान बलि कोई नहीं है, इससे तुम्हारा विवाह होगा। फिर नारायण के शाप से तुम तुलसी वृक्ष बनोगी और कृष्ण के भोग लगने में तुम्हारा संबंध रहेगा, और नारायण के बाद में फिर तुम्हारे पति कृष्ण होंगे। तुलसी बोली कि मेरी नारायण की इच्छा तो नहीं है, नारायण तो चतुर्भुज हैं। बोले नहीं, कृष्ण की ऐसी इच्छा है, तो कृष्ण की आज्ञा के कारण उन्होंने कहा ठीक है जैसा कृष्ण चाहते हैं, लेकिन मैं राधा शाप से मुक्त होना चाहती हूं, राधा रानी के शाप से मैं यहां मानवी बनी हूं। ब्रह्मा जी ने राधा मंत्र दिया षोडशाक्षर कि तुम राधा रानी की उपासना करो, राधा के समान बन जाओगी, प्रिय बनोगी। शंखचूड की कथा गर्ग संहिता में भी लिखी है, लेकिन उसमें शंखरूप शंखचूड का कुरूप रूप है और श्री कृष्ण ने वध किया है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त में बड़ा सुंदर रूप है और शंकर के द्वारा वध हुआ है। शंखचूड आया जब तुलसी तपस्या कर रही थी, बड़ा सुंदर रूप था, बोला हे देवी तुम कौन हो? तुलसी बोली मैं धर्मध्वज की कन्या हूं, जाओ, कन्याओं से बात नहीं करना चाहिए, स्त्री का शरीर गंदा होता है, मलमूत्र का शरीर है, और वैसे भी आगे चल करके स्त्रियां अशुद्ध हो जाती हैं, मासिक धर्म आदि होता है, तो तुम यहां बात नहीं करो। तब तुलसी ने बड़ा सुंदर भाषण दिया वैराग का, लेकिन शंखचूड बोला स्त्री दो प्रकार की होती है, एक वास्तव रूपा प्रशस्ता, एक कृत्या रूपा अप्रशस्ता, एक पुण्य रूपा होती हैं स्त्रियां, एक कृत्यारूपिणी होती हैं, उनके दो भेद हो जाते हैं, रजो रूपा तमो रूपा, रजो रूपा मध्यम, तमो रूपा अधम। घर में आते मान गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, और वे तामस रूपा हैं। मैं ब्रह्मा की आज्ञा से, शंखचूड बोला, आया हूं, तुम दिव्य हो और मैं भी
राधा रानी के शाप से शंखचूट बना हूं, तुम भी गोलोक में थी इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम साधारण नहीं हो तुलसी, मैंने कृष्ण उपासना किया है और कृष्ण उपासना के प्रभाव से मैं सब जान रहा हूं, और मृत्यु के बाद नारायण यानी फिर कृष्ण की प्राप्ति हमें होगी। शंखचूड ऐसा पराक्रमी दैत्य हुआ है, लिखा है आज तक कोई नहीं हुआ, और यहां तक कि जो बड़े बड़े दैत्य हुए हैं, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, ये सब इसके सामने कुछ नहीं थे, क्योंकि ये गोलोक से था और सब देवताओं को हरा दिया इसने, और उसके बाद सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि हम कहां रहे स्वर्ग में, जगह नहीं हमको, शंखचूड ने सब संसार हरा दिया। ब्रह्मा जी शिव के पास गए कि शिव इसका संहार करें, शिव ने कहा ये शिव भक्त था, शंखचूड तो कृष्ण भक्त था, लेकिन उसके पास वाले शिव के उपासक थे, पुष्पदंत गंधर्व ये शिव का परिकर था। महिम्नः पारं ते महिम्न स्तोत्र पुष्पदंत ने बनाया है, ये वही पुष्पदंत है, सभी शिव भक्त उस महिम्न स्तोत्र को पाठ करते हैं। शिव ने कहा कि मैं उसको कैसे मारूंगा, लेकिन सब ने कहा तुमको शिव मारना पड़ेगा। शिव ने पुष्प दंत गंधर्व को, जो प्रसिद्ध शिव भक्त है, उसको दूत बना करके भेजा। शंखचूट के पास पुष्पदंत गया, बोले या तो देवताओं को स्वर्ग वापस कर दो या युद्ध करो। उसने कहा शंखचूट ने, मैं कल आऊंगा, स्वयं बात कर लूंगा, तुम जाओ। यहां पर बहुत से शिव गणों का नाम है, बहुत से नाम है, वे सभी आए और 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, सभी देवता आए शिव जी की सहायता करने के लिए, क्योंकि शंखचूड तीनों लोक में असाधारण था। 100 भुजा वाली काली भी आई, कोटरा, कैटभी, उग्रदंडा, दंश चंडा, ये देवियां आई, कार्तिकेय स्वामी आए, देवताओं के सेनापति, शिव की सेना में सब शामिल हो गए। उसके बाद शंखचूड रात को गया तुलसी के पास, तुलसी सती थी, और दोनों बात करने लग गए। तुलसी बोली कि तुम युद्ध नहीं करो शिव से, मृत्युंजय हैं। सभी देवता 11 रुद्र, 12 आदित्य, 12 सूर्य, 8 वसु, 100 भुजा की काली, इनसे कैसे लड़ोगे? शंखचूड बोला कि तू घबराती क्यों है, कृष्ण शरण में चली जा,
भगवान कृष्ण का जो शरणागत है उसको हराने वाला संसार में नहीं है कोई। वो स्वयं कृष्ण भक्त था शंखचूड़, और भांडीर वन में शिव ने उसको ज्ञान दिया था। युद्ध के पहले भगवान शंकर गए और बोले, शंखचूड़, दक्ष की 13 कन्याएं थीं, उसमें एक दनु है जिसके 40 बेटे हैं, दानव बोले जाते हैं। एक दानव ऐसा था जो विप्रचित्ति, उसका पुत्र दंभ, वो शुक्राचार्य को गुरु बना करके कृष्ण भक्त बन गया। 1,00,000 वर्ष तक तप किया और 1,00,000 तप करने के बाद शंखचूट जैसा बच्चा पैदा हुआ जो भक्त था। शिव बोले, मेरे ऊपर भी कृष्ण की कृपा है, उनकी कृपा से मैं भी मृत्युंजय बना हुआ हूं। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, त्रिपुर, शुंभ, निशुंभ, ये सब तुम्हारे समान नहीं है। शंखचूड़ ऐसा बलवान था। हिरणाक्ष जिसको भगवान ने मारा था बराह रूप से, हिरण्यकश्यपु जिसको नरसिंह रूप से मारा था, शंकर जी बोले, शंखचूड़ के समान तुम्हारे समान ये सब कुछ नहीं है। शुंभ निशुंभ देवी ने संहार किया, काली महाकाली ने, ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। उसने कहा, मैं जाति द्रोह नहीं करूंगा शंकर, मैं तो युद्ध ही करूंगा, यद्यपि मैं कृष्ण भक्त हूं लेकिन दानवों का हित चाहता हूं। युद्ध हुआ, बहुत बाहरी युद्ध हुआ, ऐसा आज तक हुआ नहीं कभी। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति थे मूर्छित हो गए। महाकाली उनको गोद में लेकर के शंकर के पास गई। ये क्या हुआ? शंकर ने जीवित कर दिया। अंत में सब हार गए और महादेव ने जब त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी भई, शंभो इसको कोई मार नहीं सकेगा, भले तुम मृत्युंजय हो, तुम्हारा त्रिशूल अमोघ है, लेकिन ये कृष्ण भक्त है, कृष्ण कवच है इसके पास, और इसकी स्त्री तुलसी सती है। शिव ने त्रिशूल फेंका लेकिन उसके पहले भगवान ने स्वयं विप्रकुरु बना करके उससे कवच मांग लिया, क्योंकि भगवान चाहते थे देवता जीते, शंकर जीते, ये कितने है तो दानव है, दानवों को पक्ष कर रहा है। जब कवच मांग लिया तो कृष्ण की कृपा हट गई, उस कवच की सिद्धि से सिद्धि थी। फिर शिव ने त्रिशूल फेंका, शंखचूड़ मर गया, गोलोक से विमान आया और विमान पर बैठ करके गोलोक गया, और इधर तुलसी का सतीत्व नष्ट किया भगवान ने, शंखचूड़ का रूप बना करके रात को उसके पास गए और पहचान नहीं पाई और उसका सतीत्व नष्ट किया। इधर उसका सतीत्व नष्ट हुआ, उधर वो शंखचूड़ मर गया। तुलसी ने शाप दिया कि तुम नारायण बड़े कठोर हो, तुमने इस तरह से
छल किया हमारे साथ, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। उस सती के शाप को स्वीकार किया नारायण ने और बोले मैं तो पत्थर बनूंगा, लेकिन तुमने तप से हमको पाना चाहा था, तुम भी नदी बनोगी। गंडकी नदी बनी और उसी में शालिग्राम पैदा होते हैं। गंडकी नदी का और शालिग्राम का चिरंतन संबंध है। और वृक्ष बनी, तुलसी के पत्ते भोग लगते हैं। तो इस तरह से तुलसी भी वृंदा है। ये उन वृंदा का स्वरूप हो सकता है। एक और वृंदा है केदार कन्या, ध्रुव के वंश में भई हैं। इन्होंने 108 युग तक तपस्या किया, 108 युग। पिछले साल हम सुनाते थे इन्हीं की कथा, क्योंकि ये तुलसी और शंखचूट की बड़ी लंबी कथा है और ये थोड़े में वहीं कह देते थे केदार कन्या की। उसने भी 108 वर्ष तक युग तक तप किया और इसलिए वृंदावन भी नाम पड़ा, इन दोनों कारणों से। अब इन दोनों में कौन है ये तो श्री कृष्ण जाने। 108 युग तक जब तप किया तब धर्म आए परीक्षा लेने के लिए। जब परीक्षा लेने के लिए आए तो केदार कन्या वृंदा ने शाप दे दिया, धर्म तू धर्म हो करके और मेरी तरफ देख रहा है, जा तेरा नाश हो जाए। उसके शाप को सुनकर के ब्रह्मा जी घबरा गए, शंकर जी घबरा गए, इंद्र घबरा गए, बोले धर्म नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा। ये सब आए और वृंदा से कहा, देवी ये धर्म है, तुम्हारी परीक्षा करने आया था, इसको जीवित करो। उसने जीवित किया और प्रभु बोले तुम गोलोक चली जाओ और मुझे प्राप्त करोगे। सीधे गोलोक चली गई और तुम 12 कल्प में छाया राधा बनोगी। छाया राधा का रायण गोप से विवाह हुआ है और वहां लिखा है मूल राधा में जो परकिया बन ही नहीं सकता है, जो मूल राधा में परकिया की भावना जो करेगा वो पातकी होगा, ये वहां लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो वो सीधे गोलोक चली गई वृंदा। तो एक वो वृंदा, एक शंखचूट वाली वृंदा, इन दोनों में या हो सकता है दोनों ने यही तप किया है या किसी एक के तप से ये वृंदा देवी की स्थापना हुई है या दोनों के हुई है श्री कृष्ण जानते हैं। बहुत लंबी कथा थी, हमने थोड़े में आपको सुनाएगी और कथाएं तो बहुत हैं। टेर कदम की कथा बाकी है, रूप गोस्वामी की कथा बाकी है, जिनके लिए राधा रानी स्वयं गई कन्या को रूप बना करके और खीर बना करके दिया था सनातन गोस्वामी के बड़े भाई के स्वागत के लिए, किंतु वो सब कथाएं पिछले सालों कह चुकी हैं, यहीं रोकते हैं हम प्रसंग। एक
नंदगांव में भी गौशाला है, जिसको गौशाला के लिए देना हो, ब्रज में जहां जहां गौशाला हैं, सभी लोग जो गो भक्त हैं कुछ न कुछ देते हैं, जिसको देना हो नरसिंह दास को देना और किसी को नहीं, क्योंकि औरों पर विश्वास नहीं है, जिसको देना हो इनको देना पहुंचा देंगे अभी। लेकिन हम और 5 मिनट कथा कहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा प्रसंग चला और इसका रस से संबंध नहीं है। श्री कृष्ण चोर क्यों बोले गए, ये पद हमने आपको पहले सुनाया था। माखन चोरी करते हैं ये तो छोटी बात है, सबसे बड़ी चोरी उन्होंने किया ब्रजभान भवन से राधा रानी को चुरा के लाए, उनका चित्त चुरा के लाए। सबसे बड़ा रत्न है राधा रानी, ये महापुरुषों का पद है। ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी राधिका गोरी, राधिका गोरी राधिका गोरी, रत्न है चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी नाम चूड़ामणि कुलमरिर वृषभानु नाम सा श्याम काम वर वार शांति मणिर निकुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन मणिर न। सबसे बड़ा रत्न है राधा, वो ऐसा रत्न है कि उसके लिए श्री कृष्ण चोर बन गए। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हारी लीनी वृषभानु भवन से, हर लीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की चोरी, नंद सुवन की चोरी, राधिका गोरी राधिका गोरी, राधिका गोरी राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, गुथी लरकेश हेतु कुसुमावले, जिनके काले काले केशों में फूलों की मालाएं गुथी हुई हैं, गुथी नरकेश हेतु कुसुमावले, आर सुरंग कच डोरी, आर सुरंग कच डोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, चोर चोरी करता है, चोरी करके उन्होंने क्या किया, पिय भुज कंठ धरे शोभित तनु, पिय भुज कंठ धरे शोभित तनु,
धन दामिनी द्युति जोरी, धन दामिनी द्युति जोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। चोरी करके कहां ले गए? चोर कहीं ले जाता है, एकांत में छिपाता है, और वो कहां ले गए? कालिंदी तट के निकुलाहल, कालिंदी तट के निकुलाहल, और सघन बन खोरी, और सघन बन खोरी। कालिंदी यमुना किनारे ले गए, और सघन बन गहबर वन में, और खोरी साकरी खोर, इन सब जगह वो उस रतन को लेकर के घूमने लग गए। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्ण दास प्रभु नागर मोहन, बड़ा चतुर चोर है कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बहुत देर सुनाई थी बातें, कुछ रस की होनी चाहिए, इसलिए समय तो ज्यादा हो गया आप लोगों को, लेकिन सुना दिया। जय श्री राधे।